नहीं टोकते मैं नगर में घूमा उसने तो पहले तो मेन रोडों पर निकल जाते मेन रोडों की हालत तो ठीक ठाक ठीक थी जब अंदर गए तो नजारा कुछ और ही था उसे हालत अच्छी नहीं है टूटी फूटी सर जगह की बातों में पड़ी हुई है अब क्यों पड़ी क्या है मैं उसके साथ नहीं जा रहा कौन थे कौन नहीं थे ये याद का विचार ढंग से नहीं मेरा ये कहना है कि हमको पूरे नगर की अधो संरचना पर ध्यान देना है सांसद की बैठे विधायक की बैठे आपने पहले कहा था नाले के नाले के पैसा शुरू हो गया पैसा का प्रयोग शुरू हो गया पैसा देकर मैं ऐसा नहीं कि चुनाव हो गया और जैसे काम तक भूल जाऊं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि क्योंकि विकास की स्मृति वाला काम है किस तरह से काटा गया हाँ वो दिख रहा है ना क्लियर कट दिख रहा वो तार जो हिल लिया है ना जो काटा ये कटर से काटा गया तार है ये है हाँ इस पे हुकिंग भी है इस पुल पे हुकिंग भी है इस पुल पे हुकिंग भी है अरे भैया अभी दो तीन दिन पहले चार दिन पहले कंप्लेंट हुई है उसमें वो नई स्ट्रीट लाइट लगा के गए यहाँ वो गुंडागर्दी हो रही थी गुंडों ने जबरदस्ती इसको बंद करवाया पहले बोले कि इसको बंद करो पूरे मोहल्ले ने बंद करके रखी कीड़े आते हैं धमकी दे के गया बाकायदा धमकी दे के बंद करवाई गई इस पे हुकिंग भी है जबरदस्त पुल पे ये हुकिंग तो जो नगर निगम पैसा देती है ना स्ट्रीट लाइट का हर पोल पे 100 रुपया महीना ये इस हुकिंग में जाता काटा गया दिख रहा है ना क्लियर कट काटा गया अब ये वीडियो कम से कम ये है कि फिल्म भारत में चला जाएगा ऑटोमेटिक ये है और इसका ये सर्किट है जो अपने घर पे चालू बंद करने का अपन ने सिस्टम इसमें करवाया और ये यहाँ से काटा गया है फिर आपने लोक परिवहन प्रणाली का प्रावधान यहाँ करना है उसके जो 19 करोड़ की आवश्यकता वो देंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का उद्घाटन सचमुच में एक अद्भुत प्रधानमंत्री हमें मिले ऊर्जा से लगातार भरे हुए ये मुरैना जिला भिंड जिला शिवपुर जिला मुझे गर्व है इस जिले के जवानों पर क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा अपने हाथ में बंदूक लेके सर पे कंबल बांधते और जान हथेली भी लेकर अगर करते तो भिंड और मुरैना के जवान करते सर्वाधिक संख्या उत्तराखंड जिले के बाद अगर शहरों में कहीं भी मिलती है तो मुरैना जिले की मिलती है भिंड जिले की मिलती है सारी सात जवाब का नाम मिलता वन रैंक वन पेंशन आज धरती से वीर जवानों की धरती से भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं 40 साल की समस्या उन्होंने 13 महीने में हल कर दी अब वन रैंक और वन पेंशन और उसमें हमारे जो पूर्व सैनिक है कितना मिलेगा 8 से लेकर 10 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त मिलेगा मेरे बहनों और भाइयों शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस पहले ये संकल्प हमने पहले लिया था लेकिन जब जीवित हमारे से रिटायर हो जाते कम उम्र में रिटायर हो जाती बाकी जिंदगी के दर बोझ बन जाती क्या करें कहा जाए कैसे करें उनकी जिंदगी में ये बन रहे तो नए बन पेंशन एक नए सुधार का एक नए गुजार उजाला लाने का काम करेगी इसलिए मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ और इसके कारण मुरैना का मान बढ़ा है चंबल का मान बढ़ा है हमारे लिए अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले है वो जवान है मेरे बहन और भाई जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है वो भाग सकता है इसलिए हम यहाँ आराम से सोते हैं और इसे वीर जवानों को जो स्वागत मिले उसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देते हैं
मुझे बताया था कि एक बरोखा तालाब है उसके सौंदर्यकरण की जरूरत है। उसका हिसाब मैंने लगवाया 4 करोड़ रुपया लगेंगे तो वो 4 करोड़ भी देंगे हम। और शहरी गरीबों के आवास की बात मैंने कही थी जब मैं चुनाव के समय आया था, मैंने आप बोला था, मैंने कहा था गरीब को और उसके स्वामित्व जिसको सीधा ठोक के वो कह सके ये फिलहाल ये राज है। कई लोग ऐसे बदले धरती पर जिनकी रहने की जमीन तक उनकी नहीं है, कानून बना के उनको मालिक बनाऊंगा फिलहाल का, ये संकल्प मेरा मेरे बहन और भाइयों हर गरीब का, कम से कम वो फ्लैट हो और उस फ्लैट पर सिर्फ मकान बने। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हाउस फॉर ऑल, मकान सबके लिए, छत सबके लिए, 2022 तक वो सपने को पूरा करने का संकल्प ले हुए। मध्य प्रदेश में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और मुरैना में भी जो शहरी गरीब है उनको मकान बनाने के लिए पहले चरण में 100 करोड़ रुपया और दिए जाएंगे मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए आज जब मुरैना आया हूं तो 565 करोड़ 25 लाख रुपए की सौगात लेके आया हूं ताकि मुरैना में कोई कसर ना रहे। अब अशोक जी छोटे मोटे करोड़ की 2 करोड़ की सड़क बनाएंगे तो कुछ करो भैया। अब हम फिर लाइव ब्रॉडकास्ट नगर निगम भी अपनी आर्थिक छोटे कामों के लिए मजबूत करें, गांवों का बेहतर संग्रह हो, बड़े बड़े काम उस ज्यादा धन की जरूरत है। हम लोग मिलकर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। नरेंद्र जी की का भी हम पूरा सहयोग लेंगे, अनिल जी का भी हम पूरा सहयोग लेंगे और जो छोटे छोटे काम है वो मुरैना में सड़क फड़क के बाकी सब छोटे मोटे। जब 12 गांव नहीं जुड़े तो 12 गांव की सड़कों के लिए भी अंदर की सड़कों के लिए और एक्स्ट्रा 10 करोड़ ले जाओ तुम भी क्या याद रखोगे यार। देखिए प्रतिबद्धता है, ये दिल की तरफ है। हम लोग ऐसे नहीं कि वोट मांग के चले जाए, हमें 5 साल में डर था है। हम लोग इसलिए हैं कि लोगों की जिंदगी बदलने में बहनों और भाइयों, हम मुरैना भी बनाएंगे और मुरैना वालों आपकी जिंदगी बनाने में भी जो सहयोग कर सकते हैं करेंगे। यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं बहने, यहाँ के हमारे जो व्यापारी भाई है, धीरे धीरे नरेंद्र सिंह जी है, अनु जी है, हम सबका सपना है, पुष्पक सिंह जी है, हमारे सारे विधायक है, हम सबका सपना है कि रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा हो, मुरैना के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो, उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रोजगार के नए अवसर मिले, गरीबों को मकान मिले, व्यापार ठीक चले, नौजवान और कैसे आगे बढ़े इसमें एक भी हमें कोई वजह नहीं। उनकी चर्चा करूंगा तो समय बहुत हो जाएगा, लेकिन आज ग्वालियर में कार्यक्रम है और फिर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक सम्मेलन की मेरी भोपाल में भी है, मुझे जाना है। मैं आप सबको आश्वस्त करने आया हूँ कि चिंता मत कीजिए, मुरैना को सुंदर और शानदार शहर बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप तो कसर नहीं छोड़ोगे, अरे जनता तो कसर नहीं छोड़ेगी। वैसे अशोक जी को और पार्षद बहनों और भाइयों को जनता का सहयोग भी चाहिए, ये नहीं चलेगा कि घर का कचरा उठा के बगल वाले के दरवाजे पे डाल दिया। अगर स्वच्छ बनाना है तो सबकी जवाबदारी है कि मुरैना स्वच्छ रहे, हर घर में शौचालय हो, नागरिक कर्तव्यों का पालन करें और टैक्स वाला मामला नहीं जो जायज है करों का संग्रहण वो भी होना चाहिए, क्योंकि अगर जन सुविधा करना है तो पैसा लगेगा और वो पैसा जनता के पास से आएगा। छोटे मोटे कामों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े कामों की बात नहीं कर रहा, तो उसमें नागरिक कर्तव्यों का पालन आप सबको करना पड़ेगा मेरे बहनों और भाइयों। शहर स्वच्छ और साफ रहे ये जवाबदारी आप सबकी है। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के शहरों की जब गणना अगले साल हो तो उसमें मुरैना नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में आए मेरे बहन और भाइयों। मैं चाहता हूँ आप भी चाहते कि नहीं चाहते, अरे सब चाहते तो शहर को साफ रखने में हम पूरी मदद करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो आइए आज हो जाए एक वचन मेरी तरफ से कि मुरैना के विकास में कसर नहीं छोड़ूंगा और दूसरा जनता की तरफ से कि हम नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और शहर को स्वच्छ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैंने अपना संकल्प ले लिया, आप अपना संकल्प दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बतिया वाले ही नरेंद्र सिंह तोमर जी के नाम से है जी।
आपकी शिकायत तो बंद है सर। ये बंद कैसे हो सकती है, ये तो तेरी लेवल तक गई है अभी जी। हाँ, और ये समस्या अभी तक हल नहीं हुई है, 26/11 को रजिस्टर्ड हुई है सर। आपकी जो शिकायत है जी बिजली के बंद है, आप क्या चाहते हैं, शिकायत को दोबारा दर्ज कराना चाहते हैं क्या? जी नहीं, मेरी शिकायत अभी 3 लेवल तक गई है और ये शिकायत आज दिनांक तक दूर नहीं हुई है, 26/11 को रजिस्टर्ड हुई है, आज जनवरी 20 हो गई है और अभी तक एज इट इज पोजीशन है, इस समय वक्त इस वक्त तक बिजली नहीं है जी। क्षमा चाहेंगे सर, जो जानकारी थी हमारे पास, आपकी शिकायत जो है वो बंद कर दी गई है अधिकारियों द्वारा। नहीं तो अभी तो लेवल 4 भी बाकी है ना, अभी तो आप इसको आगे बढ़ाइए ना सर। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे जब शिकायत बंद है आपकी? अरे जब लेवल 3 पे ही आप बंद कर देते हैं, उससे आगे का लेवल सर हमारे द्वारा नहीं किया जाता है, अधिकारियों द्वारा बंद किया जाता है। आपकी जो शिकायत है वो लेवल 3 पर थी, आप जो जैसा कि बता रहे हैं, अब आप इसको लेवल जो है वहीं से जो है लेवल 4 पर फॉरवर्ड कीजिए ना सर। ऐसा फॉरवर्ड नहीं होती है शिकायत जो है, नहीं होती है। तो कई बार पहली बार नहीं कर रहा हूँ मैडम, 250-300 शिकायतें दर्ज करवा चुका हूँ आपके यहाँ जी सर, लेकिन जो है हम समझ पा रहे हैं लेवल वाइज लेवल ही जो है स्टेप लेवल 4 पर जाती है शिकायत, डायरेक्ट लेवल 4 अधिकारी के पास शिकायत नहीं जाती है। हाँ तो डायरेक्ट लेवल 4 पे आप फॉरवर्ड करते हैं हमारी नहीं, शिकायत सर, को आप नहीं जाती है डायरेक्ट लेवल 4 पर शिकायत नहीं जाती है। अच्छा, इससे पहले की शिकायतों के नंबर बताऊँ आपको, उसी में दर्ज है, इसी शिकायत में आप क्रमांक देख लें, इसी शिकायत में सारी जी सर क्रमांक होंगे, लेकिन वो भी जो है पहले लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 उसके बाद ही लेवल 4 पर गए होंगे। आप इसको लेवल 4 पे फॉरवर्ड कर दें, आगे बढ़ा समझ आएंगे सर, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। अरे क्योंकि आपकी शिकायत पहले से बंद है, जब मेरी शिकायत आज तक दूर नहीं हुई है, इस वक्त तक मुझे प्रॉब्लम है, तो कृपया आप अपने वरिष्ठ अधिकारी से हमारी बात करवा दें। वीडियो है ये, स्ट्रीट लाइट का तार जो काटा है मैंने, ये दिया लटकता दिख रहा है जी, ये जानबूझ के जो हरकतें आप लेवल 3 पे ही क्लोज कर रहे हैं, कंप्लेंट है, ये क्या है? इन लोगों के खिलाफ इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, ये लोग रिश्वत देते हैं क्या बिजली विभाग वाले आपको कि आप लेवल 3 से आगे कंप्लेंट नहीं बढ़ाएंगे? प्राइम मिनिस्टर प्रॉब्लम अभी तक दूर नहीं हुई, इस वक्त तक बिजली नहीं है, 20 जनवरी हो रही है आज, 26/11 की शिकायत दर्ज है ये, आप वरिष्ठ अधिकारी से बात करवाइए मेरी। अन्यथा हम पीजी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हैं कंप्यूटर के जरिए जी। क्या बोल रहे हैं सर आप? अन्यथा फिर हम पीजी पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे कंप्लेंट को, उसमें लिखेंगे आप लेवल 3 से आगे बढ़ाने की, उसको वो ही नहीं कर रहे हैं सर। तो जो अनुमति हमारे हमारे पास ही अनुमति नहीं है, तो आप वरिष्ठ अधिकारी से बात करवा दीजिए ना मेरी सर। वरिष्ठ अधिकारियों से बात नहीं कर पाते हैं हम, हमारे द्वारा ही आपको जानकारी दी जा रही है सर। 3 से आगे इसको आप बढ़ा रहे हैं कंप्लेंट को या नहीं सर? नहीं बढ़ा पाएंगे, क्षमा चाहेंगे, ऐसी अनुमति नहीं होती है हमारे। आपने इस कंप्लेंट को क्लोज करने की कितनी रिश्वत ली है आप ये बताएं, कितना भ्रष्टाचार किया? कुछ भी नहीं किया जाता है, निवेदन है। अरे हमने 150 कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है, हर एक कंप्लेंट हमारी ये ऊपर के लेवल तक गई है। आप हमको पहली ऐसी मिली है वहाँ पर CML प्लान, कब से आप नौकरी कर रही है वहाँ पर? लेवल 4 पे आप इसको बढ़ाइए इस कंप्लेंट को, वरना पीजी पोर्टल पे रजिस्टर्ड कर रहा हूँ मैं, और पूरी बात इसको वो दर्ज करूंगा, और PM के भी पीजी पोर्टल पर रजिस्टर करूंगा इस बात को। आप इसको लेवल 4 पर बढ़ाइए इस कंप्लेंट को, ये क्लोज कैसे कर दी? मुझसे पूछा, मुझसे फीडबैक लिया क्या, मेरा यस नो कुछ मिला है आपको? आप कैसे क्लोज कर सकते हैं इसको विदाउट माई मेरी कंसेंट ली नहीं किसी प्रकार की, आवेदक की भी कोई सहमति या असहमति का कोई अर्थ होता है?
आवेदक से कुछ पूछो नहीं, बस अपने मन से जो चाहो वो कर दो। ये ऐसा ऐसा कहीं होता है? ये कंप्लेंट का रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये क्या है, नाटक बना के रखा है? आप हमारी वरिष्ठ अधिकारी से बात करवाइए अपने जो भी हो, या उनका मोबाइल नंबर दीजिए हमको। सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ जी, बताइए क्या समस्या है? मेरी जो शिकायत है 2977527। शिकायत नंबर क्या है आपका? 2977527। सर थोड़ा धीरे बोलिए। 2977527। 527। 2977527। जानकारी के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नाम बताने के धन्यवाद सर। बताइए क्या समस्या हो रही है? ये मेरी शिकायत सर, शिकायत की जानकारी चाहते हैं आप। 28/11 को रजिस्टर्ड हुई है जी, और आज दिनांक तक निराकृत नहीं हुई है। निराकरण नहीं मिला है आपको जी? सर आपको जानकारी होगी कि आपकी शिकायत पर निराकरण प्राप्त हो चुका है, लेकिन मुझसे किसी ने कुछ नहीं बताया, ना आपकी तरफ से कोई मैसेज आया, ना आपने कोई फीडबैक लिया, ना कोई बिजली घर से आया, ना कोई भी शख्स काला कौआ भी मेरे पास नहीं आया, ना काले कौए ने मुझसे कभी कुछ पूछा। ये कब बंद कर दी गई, क्या हुआ इसका हमें कुछ जानकारी कभी तो मिलना चाहिए, क्योंकि शिकायत आज पर लास्ट जो निराकरण आया था वो 19 दिसंबर को आया था,
और 19 दिसंबर के बाद आपकी शिकायत को विभाग से बंद भी कर दिया गया है। लेकिन हमको तो 19 दिसंबर से आज 20 जनवरी हो रही है, 20 जनवरी तक आज तक कुछ बताया ही नहीं गया और शिकायत अभी तक दूर नहीं हुई है। शिकायत है जी चीजें जी, शिकायत पर निराकरण आने के बाद ही शिकायत को बंद किया गया है। लेकिन हमको तो निराकरण का कोई अता पता ही नहीं है और शिकायत निराकरण हुई नहीं है, ये शिकायत है जी चीजें। आज दिनांक तक नहीं है, 20 शहर में बैठा हूँ मैं चंबल संभाग के मुख्यालय पर, 320 शहर में। तो आपका कहना ये कि विभाग के द्वारा कोई जांच नहीं की गई है? बिल्कुल कोई जांच नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम से फर्जी निराकरण हो गया, टोटल सरासर फॉल्स। सर तो शिकायत बंद हो गई, आप बताइए शिकायत दोबारा चालू करवाना चाहते हैं क्या? दोबारा चालू करें अगले किस तरह से काटा गया? हाँ वो दिख रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है, वो तार जो हिल रहा है जो काटा, ये कटर से काटा गया तार है। और उसमें मेरे पुराने सारे कंप्लेंट नंबर भी दर्ज ये है। हाँ कितनी शिकायतें, इस पे हुकिंग भी है, इस पुल पे हुकिंग भी है, उनका एक का भी निराकरण नहीं हुआ, इन्होंने सबके फर्जी निराकरण दे दिए, इस पुल पे हुकिंग भी, अलग अलग आंसर दे दिए। अरे भैया अभी 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले कंप्लेंट हुई है, उसमें वो नई स्ट्रीट लाइट लगा के गए, यहाँ वो गुंडागर्दी हो रही थी, गुंडों ने जबरदस्ती इसको बंद करवाया, पहले बोले कि इसको बंद करो, पूरे मोहल्ले ने बंद करके रखी, कीड़े आते हैं, मुरैना है वो, धमकी दे के गया बाकायदा, धमकी दे के बंद करवाई गई। इस पे हुकिंग भी है जबरदस्त पोल पे, ये हुकिंग है। शिकायत आपकी ये थी, शिकायत का तो द्वारा बताया गया था कि बाड़ना मार्केट में लाइट की अत्यधिक कटौती की जा रही है, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक नियमित रूप से बिजली की कटौती की जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना कि बिजली की कटौती को जल्द से जल्द बंद किया जाए तथा A2Z कंपनी द्वारा दिखाकरण का कार्य 5 साल पहले पूर्ण हो चुका है। शिकायतकर्ता के द्वारा अब ये वीडियो कम से कम ये है, हमने पूर्व में 6 शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, जिसके शिकायत नंबर आपने दिए थे यहाँ पर, जिसका गलत निराकरण कर दिया गया है, ये और बिना सूचना के A3 के अधिकारी के शिकायत को बंद कर दिया है, सर्किट है जो शिकायत का गलत निराकरण किया जाए, चालू बंद करने का अपन ने सिस्टम इसमें करवाया, वो ये यहाँ से काटा गया है जी। शिकायत अपडेट कर दी जा रही है, शिकायत नंबर नोट कर लीजिए, सर नई शिकायत ली है आपकी तो शिकायत नंबर ले लीजिए आप। शिकायत नंबर तो मुझे मालूम है 2977527। जी नहीं, शिकायत नंबर बदल चुका है, शिकायत नंबर 3214320। सारा आपको दोबारा से शिकायत नंबर प्राप्त हो जाएगा। नहीं शिकायत मुझे नहीं, मुझे वही शिकायत जो है अगले लेवल पर चाहिए। क्षमा चाहूंगी, मैंने आपकी नई शिकायत ले ली, उसकी दोबारा से जांच होगी, वही शिकायत दोबारा अपडेट नहीं हो सकती है, शिकायत मैंने आपकी ले ली है। मैंने थोड़ी देर पहले सरिता मैडम का फोन भी रिकॉर्ड किया, उसके बाद फोन नहीं लग रहा था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया और मैं आपकी फोन की पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम आपकी शिकायत बंद हो गई थी इसलिए उसको दोबारा अपडेट नहीं कर सकते थे, इसलिए शिकायत दोबारा से हमने चालू की है आपकी। नहीं हमें दोबारा नहीं चाहिए, हमें अपनी शिकायत अगले क्षमा चाहेंगे, तो अगर आप नहीं चाहते तो शिकायत बंद है, आप उसे दोबारा बंद करा सकते हैं। नहीं हम बंद नहीं करवा रहे, हम 2977527 को अगले लेवल पर चाह रहे हैं। वो नहीं रहेगी, शिकायत दोबारा से ली है, शिकायत बंद हो गई थी, शिकायत का नंबर बदल चुका है, शिकायत आपकी वो ही है, सिर्फ नंबर बदला है। आपने शिकायतकर्ता का कंसेंट लिया, फीडबैक लिया, पहले जानकारी ले ली थी, मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि सर शिकायत बंद हो गई है, शिकायत दोबारा चालू करवाना चाहते हैं आप, आपने कहा बिल्कुल चालू करवाना चाहते हैं, मैंने आपकी शिकायत को जो है दोबारा से चालू किया है, शिकायत आपकी बदल चुकी है, शिकायत नंबर बदल गया है। दोबारा से चालू होने का अर्थ ये नहीं होता कि नई कंप्लेंट रजिस्टर कर दी जाए। जी तो आपकी शिकायत वही थी, विवरण आपका वही है जो मैंने आपको पढ़ के बताया, आपकी सहमति पे शिकायत दोबारा अपडेट की है। मैं पीजी पोर्टल पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करता हूँ, मैंने आपका भी फोन रिकॉर्ड किया, सरिता मैडम का भी फोन रिकॉर्ड किया, आप बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल
करेंगे। आपकी शिकायत नंबर आपको जो है मैसेज के द्वारा प्राप्त हो चुका होगा, नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। आप लोग रिश्वत खाते हो इन बिजली वालों से, उनकी हर कंप्लेंट बंद कर देते हैं आप। सर हमारे द्वारा कोई शिकायत बंद नहीं होती, आपको जानकारी होगी कि शिकायत पर निराकरण हमारे द्वारा नहीं, ये विभाग के अधिकारी करते हैं। हम एक माध्यम मात्र होते हैं आपकी बातों को विभाग तक पहुंचाने के लिए, जो कि हमारे द्वारा किया जाता है। आगे ये कंप्लेंट क्यों नहीं जा रही 2977527? आपकी शिकायत यहाँ पे लिखी गई है और आपको ये पढ़ के भी मैंने बताया था कि L3 के जो अधिकारी है वो शिकायत को बंद कर देते हैं। ये भी लिखी है कि 2977527 इसमें ही दर्ज करिए, इसी में पंक्ति आप। सर क्षमा चाहूंगी, शिकायत नंबर 3214320 रहेगा आपका। तो मेरे हाथ में रजिस्टर करना, ठीक है? मैं यहाँ भी करूँगा और प्राइम मिनिस्टर के यहाँ भी करूँगा। पीएमओ को जाएगा जी। जी पीएम हेल्पलाइन में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। जाएगा, धन्यवाद। भ्रष्ट हो तुम लोग, निवेदन है आप शब्दों का प्रयोग ना करें। जानकारी पूर्ण हो गई, कॉल समाप्त करें। फालतू का ये चला रखा फर्जी सीएम एम बिजवानी। क्षमा चाहूंगी, जानकारी पूर्ण हो चुकी है, कॉल समाप्त किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। सेवा में आपका स्वागत है, हमारे सभी अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। नमस्कार, सीएमएल प्लाइन से नरेंद्र बात कर रहा हूँ मैं, आप किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी मैंने एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई है आपके यहाँ पर। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। जी सर, इसी नंबर से आपने कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई थी? जी हाँ, इसी नंबर से मैंने कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई थी। आपने कंप्लेंट नंबर बता पाएंगे सर? 2977527। जी सर, आपने जो शिकायत दर्ज करवाई थी 28 नवंबर 2016 में शिकायत रजिस्टर्ड करवाई थी, जिसको आपकी शिकायत को लेवल 3 के अधिकारी को दी गई थी आपकी असंतुष्टि के आधार पर, अभी उनके द्वारा आपकी शिकायत पर अभी कार्रवाई चल रही है। तो इस समय 28/11 से लेकर के 18 दिसंबर हो रहा है और इस समय बिल्कुल सर आपकी सुविधा को समझ पाएंगे, आपकी असंतुष्टि के आधार पर आपकी शिकायत। मैं कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे 20 शहर में बैठा हुआ हूँ। आपके सर तो समझ पाएंगे। हाँ, और 10 दिन बाद पूरा 1 महीना हो जाएगा। अब
कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर ये हाल है और बिजली का जो बिल है हमको दिया जा रहा है पूरे 30 दिन का 2400 घंटे बिजली सप्लाई का और बिजली हमको मिल नहीं रही। आपको यह शब्द को समझ पाएंगे, आपकी जो असंतुष्टि के आधार पर आपकी शिकायत को लेवल 3 के अधिकारियों को दी गई जिनके द्वारा आपकी शिकायत पर अभी कार्रवाई चल रही है, जैसे इसका निराकरण होता है लेवल 3 के अधिकारी ये भी जोड़ दें कि जितनी बिजली नहीं दी गई है हमको उतना हमारा बिल कट किया जाए। जी सर, लाइन फेर आपकी आपको जो अपडेट की जा रही है लाइन फेर बने सर जी, जितनी हमको बिजली नहीं मिली जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स हैं वो उतना हमको पूरा ऑफ किया जाए, बिल ऑफ कट किया जाए। जी सर, लाइन फेर सर। आपका स्वागत है, हमारे सभी अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। जी मैंने एक शिकायत आपके यहाँ दर्ज करवाई थी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी, नाम बताने के लिए धन्यवाद। जिला क्या रखता? मुरैना। विकासखंड क्या रखता? ब्लॉक वार्ड। क्या पूछ रहे हैं? आधार कार्ड नंबर पे। आधार कार्ड आपके यहाँ कब से दर्ज होने लगा? अभी तक तो होता ही नहीं था। तो आप तो मांग रहे हैं ना, अभी तक नहीं होता था तो आप तो मांगा जा रहा है ना। नहीं दे सकते आपको आधार कार्ड, आधार कार्ड शेयर करने से बैन लगा दिया भारत सरकार जी। तो समस्या बताइए क्या? मैं उसका वो बॉक्स बनाइए आधार कार्ड से दर्ज करने का, जो पीजी बॉक्स बनाइए, आधार कार्ड मांगेगा वो तो उसमें दर्ज करेंगे। फिर आप क्यों मांग रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया उसको जानकारी शेयर करने के लिए और मेरी शिकायत पहले से दर्ज है, मैं उस शिकायत के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। तो शिकायत नंबर बताइए ना दर्ज है तो। पहले से मांग रहे हैं, जब पहले नहीं मांगा दर्ज कराते वक्त। तो शिकायत नंबर बताइए आपने। हमारा शिकायत नंबर है 2977527। 2977527। जानकारी चेक कर लेते। आपने जो शिकायत नंबर बताया हमें 2977527 जी, कम से कम पर अभी कार्रवाई चल रही है, जल्दी इसका निराकरण देख किया जाएगा। दो दिसंबर को फोन किया, 3 दिसंबर को किया, 9 दिसंबर को किया और आज ये हो गई 14 दिसंबर। मैं चंबल संभाग के हेडक्वार्टर पे बैठा हूँ। किस तरह से काटा गया जी? और वहाँ पर ये हालत है। हाँ, वो दिख रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है। अटल ज्योति शुरू कर दी है भारत मध्य प्रदेश सरकार ने। वो तार जो हिल लिया ना, जो काटा, ये कटर से काटा गया तार। 28/11 से आज दिनांक तक बिजली नहीं है। ये है जी। हाँ, और इस पे हुकिंग भी है, इस पुल पे हुकिंग भी है। बिल्कुल, आपकी शिकायत यहाँ पर दर्ज हो और कार्रवाई भी चल रही है, जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा। अभी वही तो बता रहा हूँ,
2012 में एक अटल ज्योति चालू करी थी, अटल ज्योति आज तक नहीं की हमने। अरे भैया अभी दो तीन दिन पहले, चार दिन पहले कंप्लेंट हुई है उसमें, वो नई स्ट्रीट लाइट लगा के गए, यहाँ वो गुंडागर्दी हो रही थी, गुंडों ने जबरदस्ती इसको बंद करवाया। पहले बोले कि इसको बंद करो, पूरे मोहल्ले ने बंद करके रखी, कीड़े आते हैं, धमकी देके क्या भागा, धमकी देके बंद करवाया। आप समझ सकते हैं आपके सुधर से आपकी कार्रवाई चल रही, जल्दी समय तक कराया जाए। तो आपको तो कोई मतलब है नहीं, अब इधर भटकता है भिन्न मुरैना का, इस पे हुकिंग भी है जबरदस्त पोल पे, ये हुकिंग तो जो नगर निगम पैसा देती है ना स्ट्रीट लाइट का, हर पोल पे 100 रुपया महीना, ये इस हुकिंग में जाता नहीं, उसके बाद नहीं चलेगी, उससे पहले कार्रवाई हो जाएगी। हाँ काटा गया, कंप्लेंट के अंदर में आपने नंबर उनके दिख रहा है ना, क्लियर कट जी, काटा गया निराकरण हुआ आज तक। अब ये वीडियो कम से कम ये है कि फिल्म भारत में एक शिकायत का नंबर हो लेकिन चला जाए, आज की तारीख में अपडेट करके पीएम के पोर्टल पे दर्ज है 226 ये है नंबर है इसका। ये सर्किट है जो अपने घर पे चालू बंद करने का अपन ने सिस्टम इसमें करवाया, वो ये यहाँ से काटा गया है पोल जी। बिल्कुल शिकायत दर्ज है यहाँ का, भारत सरकार जी बिल्कुल जांच चल रही है जी, बिल्कुल आप निश्चित रहिए, जांच के आधार पर इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप अभी क्या अपडेट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं शिकायत में, उसे लेबल क्यों नहीं करा रहे? आपकी शिकायत में लेवल बड़ा हुआ है, उसमें अपडेट कर दिए कि आपकी शिकायत की जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि आपको काफी समय हो गया है। और लेवल कितना, कौन से लेवल पे चल रही है? लेवल 2 पे चल रही है अभी, लेवल 3 पे पहुंचा दी, लेवल 3 पे अपने आप हो जाती है जब आपका नाकन लेवल 2 से आ जाएगा जब, है ना। लेवल 2 वाला उसको भ्रष्ट बैठा है, लेवल 4 तक भ्रष्ट बैठे हैं, ये क्या निराकरण भेजेंगे? आप खुद समझ रहे होंगे, आप हमारी परेशानी, इतने कंप्लेंट नंबर वहाँ रजिस्टर्ड है। हाँ जी हम समझ पा रहे हैं आपकी परेशानी को, इसलिए हमने जान के अपडेट कर दिए, जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई की जाएगी। इंसान की तरह सोचिए, कर्मचारी की तरह मत सोचिए, जनता परेशान है, अफसर भ्रष्ट है, वो तो भगवान ने वो नोटबंदी करवा दी, वो मोदी जी ने वो काले कड़क के चल रहे, अब रिश्वत नहीं ले पा रहे, भ्रष्टाचार, जनता ही ने क्या बंदी करवा दी वो नोटों की और कैशलेस करवा रहे हो। ठीक है, आपको हमारी ओर से पूर्ण जानकारी दे दी गई है, हमने दोबारा भी अपडेट कर दिए, दोबारा इसकी जांच पूर्ण कराकर कार्रवाई की जाएगी। बहुत एहसान हुआ, इससे प्लान में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। स्वागत है, हमारे सभी अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। हेल्पलाइन से सोनम बात कर रही हूँ, बताइए किस प्रकार मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? मेरी एक कंप्लेंट है आपके यहाँ रजिस्टर्ड है जी? मेरी कंप्लेंट है आपके यहाँ रजिस्टर्ड है, हाँ 2977527। सर आपका शुभ नाम बताइए पहले।
नरेंद्र सिंह तोमर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर जी। क्या समस्या है? बिजली की समस्या है, मैंने रजिस्टर्ड करवाई है, नंबर है 2977527। बिजली कनेक्शन अस्थाई कनेक्शन लिया कि स्थाई कनेक्शन लिया आपने? हमारे यहाँ कनेक्शन जो है सन 1982 से चल रहा है। तो सर बिजली की क्या परेशानी आ रही फिर आपको? बिजली है ही नहीं, बिजली रहती नहीं है। मतलब लाइट नहीं रहती है? है? लाइट नहीं रहती है। हाँ लाइट नहीं रहती है, लाइट नहीं रहती है। सर आप ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं कि शहरी क्षेत्र में? बीच शहर में रहता हूँ, चंबल संभाग के हेडक्वार्टर से बीच शहर में बैठा हुआ। बीच शहर में रहते हैं। सर आपने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी लाइट के विषय में? यहाँ करवाई थी, उसी का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ जी। बताइए। 2977527527। सर जैसा कि मेरे पास में निराकरण आया है, जानकारी आई है, शिकायतकर्ता के क्षेत्र बार्ड से 38 में कोई भी कटौती सुबह 6 बजे से 11 बजे तक नहीं की जा रही है। 11 के भी लाइन में फॉल्ट आने, केवल जलने, डीओ जोड़ने, ट्रांसफार्मर बदलने जैसी अति आवश्यक जनहितैषी कार्यों हेतु अल्प समय के लिए विद्युत प्रदाय परमिट पर विद्युत लाइनों पर कार्य हेतु कर्मचारियों की विद्युत करंट से सुरक्षा हेतु बंद किया जाता है। 28/11/16 को भी लिटिल एंजल स्कूल के पास गांधी कॉलोनी 11 के बी की केबल अकस्मात शॉर्ट हो जाने के कारण लाइन 10 बजे ट्रिप हुई थी, जिसे लाइन स्टाफ द्वारा कार्य केवल दुरुस्त कर विद्युत प्रदाय करवा 1 बजे बहाल कर दिया गया था। मैडम जो है 28/11 को ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है जी, और आज दिनांक तक और इस वक्त तक बिजली नहीं है। सर पहले बिजली आने लगी थी? केवल रात में आती है 5-6 घंटे के लिए बस, बिजली नहीं आती है जी। सर मैं आपकी जो शिकायत है उसको अपडेट कर दे रही हूँ कि आवेदक द्वारा जानकारी दी गई है। इस तरह से फर्जी निराकरण भेजा गया है, जानकारी दी गई है, बताइए क्या अपडेट कराना चाहते हैं आप? सरासर झूठा और फाल्स फर्जी निराकरण भेजा गया है, और आज दिनांक तक लगातार प्रतिदिन दी गई है, और इस वक्त बिजली रोजाना जो की त्यो जसदी तक काटी जा रही है पूरे पूरे दिन जी। सर बिजली के विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गई है ठीक है। और आज दिनांक तक इस वक्त तक बिजली नहीं है, क्या वो लिटिल एंजल वाला फॉल्ट अभी तक चल रहा है इतने दिनों से, 28/11 से लेकर आज दिनांक तक, आज 9 तारीख हो रही है, 9 दिसंबर हो रहा है। हमारे सभी अधिकारी अन्य कॉल पर व्यस्त हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। छत्तीस सौ उनचास के बाद क्या है? स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, ये शिकायत मैंने काफी पहले दर्ज कराई थी,
जिसका आज तक कोई रिजॉल्व नहीं हुआ है। चेक किया जा रहा जानकारी स्ट्रीट लाइट संबंध लाइन पे बने रहिए। और ये शिकायत पे अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ है मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये स्ट्रीट लाइट का संचालन संबंधित ये शिकायत दर्ज कराया था आपने 3640206 8 अप्रैल को शिकायत दर्ज करवाया है जी। हाँ शिकायत के आप कार्रवाई के लिए आपका भिजवाया गया है लेकिन जो है स्ट्रीट लाइट आज दिनांक तक चालू नहीं की गई है। उसका तार कटा हुआ है, जानकारी अपडेशन कर दिया जा रहा है। नहीं, तार कटा हुआ है और तार जानबूझ करके काटा गया है, जानबूझ करके ये हरकत की गई है। इसका वीडियो ट्रांसफार्मर से काटा गया है तार, ये स्ट्रीट लाइट का जो वायर है उसको काटा हुआ है, कटा हुआ लटका हुआ है। मैंने उसका फोटो भी खींचा है, वीडियो भी है मेरे पास। और ये पहली दफा नहीं, तीसरी बार मैंने कंप्लेंट की और तीनों बार यही हरकत करते हैं ये नगर निगम वाले। जी जी लाइन पे बने रहिए। तो ये दोनों शिकायतों के नंबर भी आप उसमें लिख दें, 3349000 जो शिकायत दर्ज है महोदय उसी को हमारे द्वारा अपडेशन करके भिजवाया जा रहा है। किस नंबर को भेज रहे हैं आप? 3349000 को ना, 3640206 नहीं, 3349000 लास्ट लेटेस्ट शिकायत है। लाइन पे बने रहिए जी। और ये तीसरी बार हरकत की गई है, ये जानबूझ के करते हैं, शराब भरा पीते हैं और वहाँ भ्रष्टाचार है। वैसे कंट्रोल गैंग की कर्मचारी हैं ये लोग, फर्जी भर्तियाँ कर रही हैं लेकिन आ रही है। तो रहता रहते दूसरे आगे चाहिए किस तरह से काटा गया उन्होंने, बहुत अंधेर भर्ती। हाँ वो दिख रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है आपकी नज़र, मतलब सही है। वो तार जो हिल लिया ना, जो काटा, ये कटर से काटा गया तार है ये है। हाँ और इस पे हुकिंग भी है, इस पोल पे हुकिंग भी है, इस पोल पे हुकिंग भी है। अरे भैया अभी 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले कंप्लेंट हुई है, उसमें वो नई स्ट्रीट लाइट लगा के गए हैं। यहाँ वो गुंडागर्दी हो रही थी, गुंडों ने जबरदस्ती इसको बंद करवाया। पहले बोले कि इसको बंद करो, पूरे मोहल्ले ने बंद करके रखी, कीड़े आते हैं। धमकी दे के गया बाकायदा, धमकी दे के बंद करवाई गई है। इस पे हुकिंग भी है जबरदस्त पोल पे, ये हुकिंग है। तो जो नगर निगम पैसा देती है ना स्ट्रीट लाइट का, हर पोल पे 100 रुपया महीना, ये इस हुकिंग में जाता है। मेरी कंप्लेंट है 3649000। हाँ काटा गया, 3649 दिख रहा है ना, क्लियर कट हजार काटा गया। अपडेट हो रही थी अब ये वीडियो, कम से कम ये है कि फिल्म भारत में कर रहे थे या जो भी उसमें एक्शन ले रहे थे चला जाएगा ऑटोमेटिक। टाइपिंग कुछ कर रहे थे उसमें ये कॉल कट किया था। स्ट्रीट लाइट संबंधित ये है और इसका 50 खराब थी। ये सर्किट है जो अपने घर पे 11 तारीख को चालू बंद करने का अपन ने सिस्टम इसमें करवाया था, 8 अप्रैल से आज दिनांक तक, और ये यहाँ से काटा गया है पोल पे से। नहीं इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, जानबूझ करके बदमाशी की जा रही है। मैंने वीडियो भी बनाया है, तार कटा हुआ है स्ट्रीट लाइट का
और लटक रहा है सड़क पर जी, और फोटो भी खींचे हैं उसके। और ये तीसरी बार ये हरकत की है, मेरे पास तीनों बार के वीडियो हैं फोटो हैं। ये नगर निगम के कंटलजेंसी कर्मचारी हैं, फर्जी भर्तियां हैं ये, उन्होंने पैसा वैसा लेकर के भ्रष्टाचार से भर्ती कर दी है। वो लोग बदमाशी करते हैं, जातिवाद वगैरह फैलाते हैं जी। वो सब क्या है कि लोकल का है मामला, तो लोकल में तो आप जानते हो क्या होता जी। ये परेशानी है, 36,49,000 को आप वो अपडेट कर रहे थे, इसे अपडेट करके इसे फॉरवर्ड कर दो जी सर। अपडेट कर दिए थे, जल्द से शिकायत कर सकते हैं जी। लाइन पे बने सर जी। अपडेट कर दिया सर। ठीक है, मैं नेट पे देख लूंगा क्या 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 अपडेट किया किया गया है कि शिकायत का तंत्र बतलाया कि जल्द से समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन 36,49,000 तो अभी फॉरवर्ड वो किसी को भेजी नहीं गई थी मैंने अभी। नहीं सर, अपडेट कर दिया हुआ तो फॉरवर्ड है हमारे, आप निश्चित रहें समाधान किया जाएगा। 36,49,000 को अपडेट किया है, उसमें एक कंप्लेंट नंबर और भी बीच में पड़ा हुआ है जी। कौन सा कंप्लेंट नंबर है? सुन पा रहे? हाँ सुन रहा हूँ मैं जी जी। ये 36,49,000 में एक कंप्लेंट नंबर रजिस्टर्ड है कि ये प्री रजिस्टर्ड है ये कंप्लेंट और अनरिजॉल्व्ड? उसमें सर कंप्लेंट नंबर रजिस्टर्ड था, लाइन पर है। हाँ, कंप्लेंट का नंबर था वो 36,40,206 जी। हाँ बिल्कुल यही नंबर सर था, अनरिजॉल्व्ड है सर। वो भी दर्ज है कंप्लेन अभी आपकी चालू, वो भी प्रेषित है विभाग को। नहीं, वो 8 अप्रैल 2017 को दर्ज हुई थी वो ही नहीं हुआ अभी तक जी सर। वो स्ट्रीट लाइट का तार काटा गया है, सड़क पे लटक रहा है, वीडियो है बताया ना, वीडियो वो जान का तार जो काटा है ये बताया आपको, इसीलिए इतने दिन तक नगर निगम, ये नगर पालिका नहीं है, नगर पंचायत नहीं है, नगर निगम है, नगर निगम है। और नगर निगम में भी बीच शहर में बैठा हूँ, और ये जो स्ट्रीट लाइट है ये तिराहे की स्ट्रीट लाइट, प्राइम मिनिस्टर पीएमओ को जाएगा, स्ट्रीट मिलती है। यहाँ एलईडी की जगह पे पहले तो ट्यूबलाइट लगाते हैं, एलईडी तो है ही नहीं इधर, और ट्यूबलाइट लगाते हैं उसको ये काट जाते हैं। बिजली की शिकायत करो और ये लोग क्या आपस में मिले हुए इंटरेस्ट हैं ये लोग जी जी। हाँ तो आप इसको जो है आगे फॉरवर्ड करें और इससे जो भी एक्शन है वो कार्रवाई जो है विधिवत उसको करवाएं जी। सर बताना चाहूँगा शिकायत को फॉरवर्ड कर दिया गया है, आपका जल्द से समाधान किया जाएगा अपने क्षेत्र में। नहीं, किसको फॉरवर्ड किया है इस कंप्लेंट को जी? इस कंप्लेंट को 36,49,000 को आपने किसको फॉरवर्ड किया, क्योंकि L1 के खिलाफ है ये सर। नगर पालिका परिषद को फिर किया गया, अम्बा को, अम्बा की नहीं है, नगर निगम मुरैना का मामला है आपके, उसमें नगर निगम मुरैना लिख के नहीं आता है जी जी। सॉरी सॉरी, सामने गांधी कॉलोनी मुरैना वार्ड नंबर 38 गांधी कॉलोनी मुरैना का मामला है जी जी सर। नगर निगम मुरैना न कि नगर पालिका अम्बा जी जी, मुरैना को। हाँ तो ये नगर निगम मुरैना किसको, कोई लेवल को ऑफिसर को किसको की है जी? किसको फॉरवर्ड की है, किस लेवल के ऑफिसर को की है? सर फर्स्ट लेवल अधिकारी को प्रेषित की गई है जी, फर्स्ट लेवल अधिकारी को सर। L1 पे तो L1 के खिलाफ तो कंप्लेंट है ही वो 36,49,000। हाँ, डायरेक्टली सेकंड लेवल पर अधिकारी को नहीं जाएगी, L1 अधिकारी से। नहीं, आप इसको कलेक्टर को फॉरवर्ड करिए, थोड़ी नहीं होता सर शिकायत अब नगर निगम। नहीं, L1 के खिलाफ तो पहले से ही दर्ज है, L1 ही तो कार्रवाई नहीं कर रहा, वही तो बदमाशी कर रहा है। हम L1 के खिलाफ तो कंप्लेंट आपको दिए हैं सर, 2 शिकायत दर्ज है आपकी महोदय, बताना। एक शिकायत के विरुद्ध शिकायत है, 8 तारीख को शिकायत दर्ज हुई है, जो कि नियम अनुसार उसका 7 दिवस का निराकरण आने का होता है महोदय, फर्स्ट लेवल के अधिकारी को। देखिए अधिकारी ऐसा है, जब L1 के खिलाफ शिकायत आप एक बात बताएं मुझे, जिसके खिलाफ शिकायत है वही जांच करेगा अपने खिलाफ? शिकायत प्रेषित है, आप प्रतीक्षा करें सर। नहीं नहीं, जिस L1 के खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज कराई है, क्या आप उसी L1 को भेज के वो खुद अपनी जांच करेगा?
जी स्ट्रीट लाइट की शिकायत भेजी गई सर, थोड़ा समय आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, आप मैं एक वजह पूछ रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा कानून मैं जानता हूँ इसलिए पूछ रहा था। तो हमारा निवेदन ये है कि जिसके विरुद्ध शिकायत है वही आदमी अपनी जांच करेगा। मुझे अगर आप असंतुष्ट नहीं है, जब सेकंड लेवल के अधिकारी जब जिंदा कर देंगे, सॉरी फर्स्ट लेवल के अधिकारी, नहीं अब इतने दिन में सेकंड लेवल तक नहीं पहुंची, तब तो हमने अधिकारी को शिकायत पहुंच जाएगी। नहीं वो तब हमने इंटरनेट से रजिस्टर किया उस कंप्लेंट को 3649,000 को, 181 ने तो उसको वो ही नहीं किया, फॉरवर्ड ही नहीं, आगे नहीं बढ़ाया। नहीं तो सर वो 8 तारीख को दर्ज हुई थी ना शिकायत, तो अब मतलब हम एक साल करें या दो साल करें, आप ये अवधि तो बता दें। आप सुनिए सर पहले, 8 अप्रैल 2017 को शिकायत दर्ज हुई थी। नहीं शिकायत तो जो है हम कब तक इंतजार करें इसके निराकरण के लिए, हम ये पूछ रहे हैं 1 महीना 1 साल 2 साल 4 साल कितना इंतजार? 7 दिवस मिनिमम लगेगा सर। 7 दिवस और 8 तारीख से आज कितनी तारीख हो गई? जोड़ दीजिए सर 8 अप्रैल को आज कितनी तारीख हुई है? ये नगर निगम का मामला है, नगर निगम जी सर भारत सरकार के पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है इसका कंप्लेंट का, बाकायदा मिशन चला रहे हैं वो और उनका ऐप मौजूद है और वो इस संबंध में बहुत सिंसर है। और आप इतना जो है उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं मामले को, अभी कोई वारदात हो जाती है, अपराध हो जाता है, कोई घटना घटित हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? अंधेरा पड़ा है, महिलाएं चेन स्नैचिंग हो जाए, किसी के मोबाइल लूट जाए, या कोई मर्डर हो जाए, या कोई बुड्ढा ठोकर खा के, सड़कें तो यहीं टूटी फूटी, सड़कें तो यहाँ है ही नहीं, कोई ठोकर खा के गिर जाए, घायल हो जाए, मर जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? तिराहा है ये, मैंने बताया अभी गाड़ियां आती हैं, किसी गाड़ी में लाइट नहीं है, कोई किसी में ठोकर ठोक दे या कोई एक्सीडेंटल वारदात कहिए, जब निराकरण आएगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। सीएमएल प्लाई नहीं संपर्क करनी, धन्यवाद। नहीं काय का धन्यवाद दे रहे हो, शिकायत का निराकरण तो हुआ ही नहीं, धन्यवाद का क्या मतलब है? थोड़ा और बढ़ाएं मामले को आगे। सर कॉल समाप्त कर दे, जानकारी दी जा चुकी, निवेदन करूंगा। नहीं आपने कोई जानकारी दी नहीं, जनरल सर जानकारी दे रहे ना, शिकायत भेजी गई है 10 अप्रैल 2017 शिकायत है, जिसके विरुद्ध शिकायत है आप उसी को उसी के विरुद्ध जांच दे रहे हैं, तो ये निराकरण है? उससे ऊपर के लेवल का अधिकारी जांच करेगा या वही अधिकारी जांच करेगा जिसके विरुद्ध शिकायत है? ये सिस्टम हमारी समझ में आ नहीं पा रहा, हमारी समझ में सिस्टम आ नहीं पा रहा। जानकारी के प्रति गंभीरता ना होने के कारण कॉल समाप्त की गई, सीएमएल प्लान में संपर्क करने, धन्यवाद। जी हाँ रिकॉर्ड भी हो गई, हमने भी रिकॉर्ड कर ली है।